आज सुबह से ही कुर्मी समाज द्वारा रेल रोको आंदोलन किया जा रहा है, जहां पर भारी तादाद में कुर्मी समाज के लोग रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं, जहां पर महिलाएं भी देखने को मिल रही है। और बता दें कि कुर्मी समाज आदिवासी का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर ये आंदोलन तीसरी बार कर रहे हैं, और झारखंड का कुर्मी समुदाय अपने हक और अधिकार की मांग को लेकर मनोहरपुर, निमडी, गोमो और मुरी स्टेशनों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं मुरी से हमारे सहयोगी अंजनी। अंजनी, सुबह से ही प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं, फिलहाल क्या वहां पर स्थिति बनी हुई है? कुर्मी समाज जो है कहीं ना कहीं सफल होता नजर आ रहा है। और मैं इस वक्त मुरी रेलवे स्टेशन में हूँ, एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। जो मालगाड़ी है और जो ट्रेनें हैं, अब मुरी रेलवे स्टेशन पे काफी कई घंटों से यहाँ पे ट्रेन खड़ी है, और सब ट्रेनों का जो मूवमेंट है वो पूरी तरह से बंद है। और जिस तरह से आंदोलनकारियों की जो संख्या थी, और धीरे धीरे संख्या काफी बढ़ गई, उसके बाद तमाम जो चीजें हैं वो ट्रैकों पर जो है पूरा यातायात जो है रेलवे का वो थम सकता है। और ये ठहराव जो है ये बताता है कि जो कुर्मी समाज का जो मांग है कि एसटी में शामिल हो, और कुर्माली भाषा को जो 8वीं अनुसूची में शामिल करने की जो मांग है, तो उस पे तमाम लोग जो है अभी भी रेलवे ट्रैक के बैठे हैं। और यही वजह है कि ट्रेनों का आवागमन पूरी तरह से बंद है, और भले सुरक्षा की पूरी व्यवस्था के दावे जो है प्रशासन और रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन के तरफ से किया गया था, लेकिन भीड़ के सामने तमाम जो फोर्सेस हैं वो नतमस्तक होती नजर आई है। और यही वजह है कि ट्रेनों का आवागमन बंद है। और जो मुरी रेलवे स्टेशन आप देखेंगे तो तमाम जो आंदोलनकारी हैं, और पूरे कई गांवों से लोग आए हैं, कई जिलों से आए हैं, तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और लोग अभी जो है खाने के लिए बाहर जा रहे हैं, क्योंकि अंजनी जिस तरह से प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर बैठ गए हैं, तो ऐसे में क्या वहां पर रेलवे अधिकारी भी पहुंचे हैं प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के लिए? कई राउंड जो है बातचीत भी हुई है, लेकिन जो आंदोलन करने वाले जो प्रमुख नेता है शीतल ओहदार, उन्होंने कहा कि जब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक तमाम लोग जो है रेलवे ट्रैक पे बने रहेंगे। तो एक हम कह सकते हैं कि आंदोलन का जो असर है वो पूरी तरह से साफ तौर से दिखाई दे रहा है, और यही वजह है कि ट्रेनों का आवागमन जो है अब पूरी तरह से बंद है। और आंदोलनकारियों की जो संख्या है वो काफी है, और मैंने जैसा पहले बताया कि ट्रेनों का जो ठहराव है वो मुरी रेलवे स्टेशन में है। और देखिए कई लोग हैं जो आंदोलन में यहाँ आए, उन लोगों से बात करते हैं। क्या आंदोलन समाप्त नहीं चल रहा? नहीं चल रहा है। तो आप लोग का जो भीड़ है जो आंदोलन उसको कितना सफल मानते हैं? हम लोग तो 100% मान रहे हैं और आगे तो ये आप देखेंगे कुर्मी समाज के हर आयु के जो लोग हैं वो इस आंदोलन में कहाँ से आए हैं दादा? लोग हैं उनसे बात करते हैं। आंदोलन तो कितना सफल? आंदोलन 100% सफल है। उम्रदराज सब यहाँ पहुँचे हुए हैं, सिर्फ एक ही बात। हम लोग बिना कारण बताए हमारे
तो ये जो आंदोलन है अभी ये अनिश्चित है, आप कभी करेंगे? आप जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुर्मी समाज आदिवासी का दर्जा की मांग को लेकर के तीसरी बार आंदोलन करने के लिए उतर चुके हैं और बता दें कि सुबह से ही प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर बैठ चुके हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और वहीं इस दौरान धीरे धीरे ये प्रदर्शन थोड़ा उग्र भी होता हुआ नजर आ रहा है।